राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव एक लंबे अज्ञातवास के बाद आज पटना लौट आए हैं। करीब 33 दिन बाद जब तेजस्वी लोगों के सामने आए तो एक नए लुक में नजर आए और पटना आते ही उन्होंने सत्ता पक्ष पर हमला बोला और कहा कि उन लोगों के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए बस ये देखने में लगे हैं कि कौन कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब मैं आ गया हूं और अब राज्य में बढ़ते अपराध और स्वास्थ्य को लेकर सदन में सवाल करूंगा। चल करके बात करेंगे वहाँ। क्योंकि कई बच्चे मर गए हैं और कल एक मासूम बच्ची के साथ परसों गैंगरेप हुआ है छपरा में। नहीं नहीं, क्राइम और हेल्थ इश्यूज को लेकर के हम लोग सवाल जो है सरकार के सामने रखेंगे और जब हाउस चलेगा आज तो आप लोग भी वहाँ रहेंगे, फिर देखिएगा। जिस तरीके से एक मिनट ने विपक्ष ने ये कहा कि आप अज्ञातवास पे चले गए हैं, आप लंबे समय से मैदान छोड़ के चले गए, क्या कह गया? हमने स्पष्ट कर दिया था ट्वीट करके और उन लोगों का काम है, लोग जो कहना है वो कहेंगे। मानते हैं इस बात को कि विपक्ष जानबूझकर मुद्दा बना रहा था, कुछ है कहाँ उनके पास, अपना काम ना देख करके इधर ही उधर की बेकार की बातों को ध्यान दे रहे हो। लॉ एंड ऑर्डर तक जाएंगे आप? बात है बात। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में आरजेडी को करारी हार मिलने के बाद से ही तेजस्वी यादव अचानक लापता हो गए थे। वो आखिरी बार 27 और 28 मई को नजर आए थे और वो कहाँ थे इसकी जानकारी किसी को नहीं थी, जहाँ आरजेडी नेता उनके लापता होने के बारे में अलग अलग बयान दे रहे थे। हालांकि दो दिन पहले तेजस्वी यादव एक बार फिर से ट्विटर पर सक्रिय हुए और उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इस दौरान वो अपना इलाज करा रहे थे। न्यूज़ डेस्क।